कहते हैं कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है और हर धर्म इंसानियत सिखाता है, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि जब एक धर्म के देवताओं की अश्लील तस्वीरें कोई बनाता है और उसका विरोध होता है, उसे धर्मांध कट्टरपंथी कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक देश जब सेक्युलर रास्ते पर चलते हुए सिर कलम करने वाले कट्टरपंथ के खिलाफ संकल्प लेता है तो उस देश को ही कट्टरपंथी कह दिया जाता है। फ्रांस को लेकर अर्दोगन जैसे कट्टरवादियों की सोच यही है। हालांकि फ्रांस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्दोगन को शार्ली हेब्दो ने जवाब दे दिया है और वो भी अपने ही स्टाइल में। चार्ली एब्दो का इस्लामिक कट्टरपंथ को खुला चैलेंज। पहले पैगंबर पर कार्टून, अब एर्दोगन का उड़ाया मजाक। चार्ली की चुनौती से इस्लामिक देशों में खलबली। चार्ली के कार्टून से होगा विश्व युद्ध का आगाज। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ की मुखालफत तेजी से हो रही है, जिसको लेकर इस्लामिक देश फ्रांस पर हमलावर हो चुके हैं। खास तौर से टर्की के तानाशाह एर्दोगन फ्रांस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन फ्रांस का ऐलान है कि कट्टरपंथी मंसूबे को फ्रांस से उखाड़ फेंकेंगे, किसी भी तरह के कट्टरपंथी इस्लामिक एजेंडे को पनपने नहीं देंगे। इसी कड़ी में चार्ली एब्दो ने एक कार्टून छाप कर एर्दोगन को बेपर्दा किया है। कार्टून में टर्की के कट्टरपंथी प्रेसिडेंट एर्दोगन को एक महिला का बुरखा उठाते दिखाया गया है और एर्दोगन को टी शर्ट और अंडरपैंट में दिखाया गया है। वो कैन से बियर पी रहे थे और हिजाब पहने एक महिला का बुरखा उठा रहे थे। इसमें लिखा था, एर्दोगन प्राइवेट में वो काफी फनी हैं। इस कार्टून को चार्ली एब्दो ने पहले पेज पर छापा। कार्टून आने के बाद तुर्की भड़क गया है। एर्दोगन के टॉप प्रेस अधिकारी फार फाहरेतीन आलतून ने ट्वीट किया, हम इस प्रकाशन के द्वारा संस्कृति, नस्लभेद और नफरत फैलाने की बेहद घिनौनी कोशिश की निंदा करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के मुस्लिम विरोधी एजेंडे का नतीजा दिख रहा है। चार्ली एब्दो ने ऐसे ही कई कार्टूनों की श्रृंखला छापी है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति के दिखने वाले घृणित कार्टून दिख रहे हैं। चार्ली एब्दो ने यह कार्टून ऐसे वक्त में छापा है जब मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद एर्दोगन और दूसरे इस्लामिक देश फ्रांस के खिलाफ जहर उगल रही हैं। ईरान की एक मैगजीन ने मैक्रों का कार्टून छापा, जिसमें उन्हें डेविल दिखाया गया है, जिसमें उनके लंबे कान हैं, पीली आंखें हैं और नुकीले दांत। एक तरफ फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों फ्रांस को इस्लामिक कट्टरपंथ से बचाने के लिए नया कानून ला रहे हैं, दूसरी तरफ एर्दोगन और दूसरे इस्लामिक देश इसके विरोध में उतर आए हैं। दरअसल ये दुश्मनी उस जघन्य कांड के बाद हुई है, जिसमें कुछ दिन पहले एक टीचर का सर इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने क्लासरूम में पैगंबर का कार्टून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर दिखाया था। ये वही कार्टून था जिसे छापने को लेकर चार्ली एब्दो पर हमला हुआ था, जिसमें 12 बेकसूर मारे गए थे, जिसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खुला ऐलान किया था कि इस्लामिक आतंकवाद से फ्रांस को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। वो हर हालत में ऐसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ, जिसका इस्लामिक देशों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।